नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। अगर मध्य प्रदेश की बात करी जाए तो आष्टा और सीहोर ये दो ऐसे जिले हैं जिसमें एक शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री हैं उनका गृह जिला है और दूसरा बीजेपी का गढ़ माना जाता है, और कांग्रेस जो है वो इन दोनों ही जगह पर सेंधमारी करने में अभी तक नाकाम रही है। दिग्विजय सिंह की अगर बात करी जाए तो वो चुनावी माहौल में कहीं ना कहीं प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं, और मध्य प्रदेश की अगर बात करी जाए तो नवंबर के महीने में चुनाव यहां पर होने वाले हैं। सिंधिया को लेकर जो है वो राजनीति की जा रही है, लेकिन दिग्विजय जो है फिलहाल बीजेपी के गढ़ में जाते हुए नजर आए हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से कांग्रेस में लगातार बड़े बड़े नेताओं का बीजेपी में जाना जारी है, पायलट को लेकर भी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या वो बीजेपी में जो है वो लोकसभा चुनाव से पहले शामिल हो जाएंगे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत उन्हें खुला आमंत्रण दे चुके हैं, वो कह चुके हैं कि अगर पायलट पार्टी में आना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं। तो क्या दिग्विजय सिंह भी पार्टी छोड़कर जो है कांग्रेस की हम बात कर रहे हैं बीजेपी में जाते हुए नजर आएंगे? दरअसल सिंधिया को लेकर ये कहा जाता है कि 18 साल कांग्रेस में राजनीति करने के बाद उन्होंने बीजेपी में जाना ही मुनासिब समझा, और दिग्विजय सिंह की अगर बात करी जाए तो उम्र के जिस पड़ाव में है यहाँ से वो यही चाहेंगे कि उनके ऊपर कोई CBI, ED या फिर किसी और घोटाले का को लेकर जांच ना बिठाई जाए। ऐसे में माना जा सकता है कि अगर वो बीजेपी में जाते हैं, सिंधिया पहले ही हैं, तो कहीं ना कहीं सिंधिया और दिग्विजय जो है वो कांग्रेस को भारी झटका देते हुए नजर आ सकते हैं। भारत जोड़ो यात्रा जब मध्य प्रदेश में जाती है, तमाम जगह पर जाती है, तब उसको लेकर ये कहा जाता है कि जो अध्यक्षता की थी वो दिग्विजय सिंह ने ही की थी। दिग्विजय सिंह जो है वो कई बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, केंद्र की सरकार में एक बड़े मंत्री रहे, और ये भी आपको बताते चले फिलहाल उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है वो प्रचार को लेकर जो है वो कहा जा रहा है कि ये अहम जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन होगा इसको लेकर जो है वो फिलहाल ये तय नहीं किया है, लेकिन कमलनाथ ही एक बार फिर से कांग्रेस के नाथ बन सकते हैं अगर सरकार बनती है तो। लेकिन बीजेपी की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर उम्मीदवारी को लेकर जो है वो कहीं ना कहीं ये चर्चाएं हो रही हैं कि क्या सिंधिया को ये अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। हालांकि शिवराज सिंह चौहान की बात अगर की जाए तो वो भले ही ये कहते हुए नजर आए हो कि सिंधिया की बदौलत ही मैं मुख्यमंत्री बना हूं, लेकिन ये कुर्सी वो आसानी से छोड़ देंगे कहना मुश्किल होगा। हालांकि ये जरूर तय माना जा सकता है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ही जो उम्मीदवार हैं वो कहीं ना कहीं उम्रदराज हैं, जो भी हारेगा उसकी सत्ता कहीं ना कहीं जाएगी ही, बीजेपी की तो खास तौर पर जाएगी ही, लेकिन ये कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि आने वाले वक्त में सियासत में वो नेता नजर नहीं आएगा जो हारेगा। अगर शिवराज हार जाते हैं तो उनका रिटायरमेंट तय माना जाएगा, कमलनाथ अगर हार जाते हैं तो अगले 5 साल के बाद ये जरूर कहा जा सकता है कि कौन उम्मीदवार बनेगा ये कोई नहीं जानता। हालांकि चुनावी प्रचार की अगर बात करी जाए तो नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, JP नड्डा, अमित शाह, सिंधिया, शिवराज, BD शर्मा तमाम बड़े बड़े नेता हैं जो यहाँ पर चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ सकते हैं। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। नमस्कार।